Hey, what's up, guys? This is me once again, Navid Qureshi. Welcome back to my other vlog. Hope all of you guys are exactly fine. दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम लोग रेडी होके हमारे गाड़ी में पूरा सामान वामान के साथ फैजल और मैं निकले एक जगह। वैसे तो आप लोग टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे दोस्तों। जी हाँ, आज हम लोग एक जगह जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए। तो घर में तो कोई रेडी हो रहा नहीं था, मैं बोला कि फैजल चल चलते हैं, और वहाँ जाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग वहाँ पर जाके क्या बनाएंगे। और भाई घर में मैं कभी कुकिंग वगैरह कर रहा नहीं है ना, तो आज बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा हमारे लिए और मज़ा काफ़ी आने वाला है। मतलब नए नए चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। क्यों फैजल, एक्साइटेड है? तो हम लोग पूरा सामान वामान लेके चल रहे हैं ना, एक्टिवा में अच्छे से बनता करके। तो अभी हम लोग संबलपुर की ये शांति पार्क वाला जगह है, वहाँ से अपन सीधा जाएंगे। और अभी दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ लद्दाख वाला वाटर क्रॉसिंग है ना। लद्दाख में ही देखोगे आप लोग वाटर क्रॉसिंग, तो बाकी आपको हमारे संबलपुर का भी वाटर क्रॉसिंग दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं अपन आगे, दिखाता हूँ आपको मैं आगे के सीन्स में। दोस्तों अपन अभी आ चुके हैं वाटर क्रॉसिंग में, देख सकते हो लद्दाख वाला पूरा फीलिंग आ रहा है। दिया कैमरा, देखो दोस्तों ऐसा वाटर क्रॉसिंग हो रहा है। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग हमारे पिकनिक स्पॉट में, और देख सकते हो काफ़ी सही लोकेशन है भाई। मतलब यहाँ पास ना अपन पहले लड़के लोग सब बड़े लड़कों के साथ ना मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, तो यहीं पे आए हैं। और क्या है, थोड़ा छाव वाला भी एरिया है, सामने नदी है, तो व्यू भी काफ़ी सही है। और अपन कैमरा वगैरह ट्राईपॉड भी लेके आए हैं, मतलब फुल इन्जॉयमेंट। और आज देखते हैं कि हम लोग से हो पाता है कि नहीं हो पाता। पहली बार बिना मम्मी लोग के साथ ऐसा पिकनिक में आया है, और ना तो कुकिंग का ABCD आता हम लोग को, बट कोशिश करेंगे, है नहीं फैजल? दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर अपना जो मेन कैमरा है अपना, उसको सेटअप कर रहे हैं। लेंस रहने दे, अभी नया लेंस लिया हूँ दोस्तों। ये सब आपको वीडियो आना बाकी है अभी, इसका सब आपको दिखाएंगे। कैमरा इसको पकड़, कैमरा बैक की तरफ दिखा दे हमारे। तो देखते हैं यहाँ पे फैजल कितना पानी निकाला। अबे तो गंदा है लेकिन पानी साफ हो जाएगा ना, पूरा भरोसा है मतलब तेरे को, तेरे ऊपर मतलब सही दिमाग है लड़के के पास भी। मैं ये जान जरूर रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि बरसात में ही होता होगा एक्चुअली, लेकिन काफ़ी सही, ज़्यादा दूर करते तो नहीं निकलता पानी है ना। चल ठीक है, फिर अब अपना चूल्हा वूल्हा बनाने का रेडी करते हैं भाई, टाइम बहुत कम है ना। हाथ धो ले तू, इसी पानी से धो ले। फैजल तो अभी बिजी है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है अपना गड्ढा खोदने में। मैं बोला तब तक के मैं अमूल कूल का मज़ा लेता हूँ चिप्स के साथ। सही है, गर्म हो गया लेकिन रुक जा। अपन दोस्तों बैठे थे वहाँ पास छाया में, अब क्या है कोई भी आएगा तो भाई सबसे पहले छाया ही प्रिफर करते हैं। मैं भी आया, दरी वहाँ पास डाल दिया, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई हम तो ठहरे व्लॉगर हैं, फोटोग्राफर हैं, तो भाई हमको चाहिए लाइटिंग कंडीशन एकदम ओके, तो हमको प्रॉपर वहाँ का जगह छोड़ के यहाँ पास आके बैठना पड़ा, क्योंकि हम लोग को चाहिए भाई लाइट, वीडियो सही आनी चाहिए, है नहीं? तो दोस्तों अभी हम लोग इधर का सीन वगैरह कैप्चर करने के लिए आए थे, काफ़ी सही है। और अभी रिसेंटली मैंने एक नया लेंस लिया हूँ 70-300, तो वो ना निकॉन का लेंस है एक्चुअली, तो निकॉन का कैमरा तो अपन लेके नहीं है, वरना ये बर्ड्स के जो है ना काफ़ी अच्छे फोटोस आ जाते हैं। क्या यार, ज़्यादा कैमरा लेके कैरी करना ना मज़ा नहीं आता, एक दो कैमरा रहना चाहिए साथ में, एक अपना ये मेन कैमरा और सेकंड बैकअप कैमरा हमारा एक्शन कैमरा, बस उसके बाद और ज़्यादा कुछ पकड़ना मज़ा नहीं आता।
तो अभी हम लोग दोस्तों चूल्हा के लिए अपन को जो ईटा लगेगा ना उसके लिए अपन तलाश कर रहे हैं अभी ईटा। तो भाइयों अभी जो सबसे मेन काम है हमारा चूल्हा बनाने का, तो ही करते हैं। मेरे भाई मत जा उधर, बस बस कढ़ाई लेके आना। मार तो इसको, फूक मार तो, मार मार फूक मार, तोड़ लेना तोड़ लेना। आग जल पाएगा कि नहीं, एक बार जल जरूर गया था लेकिन कढ़ाई रखे जैसे ही ना तो उसके बाद फिर ये साला बंद हो गया आग जलना। हाँ ये दिमाग नहीं लगाया था यार मैं, बताया ना इसलिए गप्पू को रहना साथ जो बहुत बहुत जरूरी है। ये पकड़ना करता हूँ सिलिखा, थोड़ा सा और बड़ा रखना था भाई हम लोग को ना। ये लकड़ी से ना मैं इसलिए बोला था पीछे उसको ईटा को हटा देते हैं करके। हटा दो है, गरम हो गया वो तो नहीं होगा, रुको ना। गजब बेइज्जती है। तो गाइस चालू नहीं हो पा रहा है, मतलब आग नहीं लग पा रहा है, तो देख ही सकते हो आप लोग। इधर दिखा दोस्तों, अभी फिलहाल मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उनसे ही कुछ हेल्प ले लिया जाए कि आग कैसे जलेगा। हाँ हेलो मम्मी, वीडियो कॉल उठाओ, वीडियो कॉल। अरे सुनो ना, ये आग नहीं चल पा रहा। अबे इधर दिखा भाई, इधर दिखा, हट, इसको पकड़ रहे बस तू, भी चम्मच मत चला। तो ऐसा अपन बना रहे दोस्तों मैगी, अब देखो होपफुली बन जाए यार बस। हाँ रख दो, पानी था फॉल लग रहा है। इसको पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़, मैं बता रहा हूँ तेरे को। हाँ रखो रखो, पानी डाल पानी डाल, रखो भाई, पानी नहीं है ज्यादा। अबे उधर एक बोतल पूरी पड़ी हुई है। कहाँ? हाँ अब वो ना फोन को हटा, एक्शन कैमरा चालू कर। और डालो पानी? नहीं नहीं, नहीं लगता। थोड़ा सा डाल, मत डाल तू, अभी नमक मत डाल, मैं बता रहा हूँ तेरे को कितना डालेगा। दिखा कितना डाल रहा हूं, दिखा दिखा दिखा, हल्का सौड़ ले। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ यार, हम लोग गलती ये कर डाले कि जो चूल्हा है ना, हाँ डाल दे, पूरा डाल दे, पूरा डाल दे। तो सबसे मेन है ना अपन ये गलती कर डाले दोस्तों, चूल्हा थोड़ा बड़ा, चूल्हा अपने को बड़ा रखना था और ये हिल रहा है अभी भी, तो इस कारण थोड़ा सा डर लग रहा है यार। और अगर अपन दो मिनट की जगह वाला मैगी बनाते ना भाई, तो बिल्कुल भूल जाओ, तो बन ही नहीं पाता। होती है कुछ ब्लॉगर्स की लाइफ है ना, खाने से पहले वीडियो वीडियो ऐसा पूरा रहता है भाई, क्या करोगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फैजल का मेहनत सक्सेस हुआ और ये पानी साफ है, बहुत साफ है। और हम लोग तो निरमा विरमा कुछ भी लेके नहीं है, किससे धोएंगे हम? रेती से? हाँ, रेती से भी धोते हैं यार, बहुत जो जितने भी पुराने लोग होते थे ना उस टाइम कहाँ निरमा आता था,
मिट्टी और रेती से ही बर्तन धोया करते थे वो। मैं धो रहा नहीं हूँ, तू ही धो अच्छे से। मतलब मजा आ गया लेकिन कुछ भी बोल है नहीं। और रुकने का प्लान है? और रुकेगा यहाँ पे? क्या करेगा यहाँ पे रुक के? रात को सोएगा क्या? नहीं ऐसे ऐसे घूमेंगे फिरेंगे क्या करेंगे। ये सही दिमाग लगाया लेकिन, बहुत मजा आ गया तेरा दिमाग देख के मेरे को ये वाला। तो ऐसा कुछ था दोस्तों, प्लानिंग काफ़ी दिन से थी, फाइनली आज ही एग्जीक्यूट हो गया है ना। मेहनत बहुत लगा है नी, ये तो थक गया बेचारा। इतना एक्साइटमेंट थे, बहुत एक्साइटमेंट था हम लोग को कि ये करना है करना है करके, और फाइनली कर लिए। लेकिन अब अगले बार से हम लोग को घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा आग जलाने का है ना, आग जला के पूरा आग जला के बनाने का। तो दोस्तों बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग ने ऐसा कभी किया है क्या है ना, और जिन लोग को नहीं आता आग जलाने वो भी कमेंट करके बताओ। तो ऐसा कुछ था दोस्तों, और बाकी अभी तो हम लोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं एक्चुअली। मेन क्या हमारा जो मूवी का जो प्लानिंग है ना, वो स्क्रिप्टिंग कम्प्लीट हो चुका है, बाकी आगे के प्रोसेस चल रहे हैं उसके, जो भी स्पॉन्सरशिप हैं वो सब, आगे के जो सीन है वो सब चल रहे हैं। होपफुली वो भी दिसंबर तक के हमारा मूवी लॉन्च करने का, रिलीज़ करने का प्लानिंग है वो। ये भी अपना दिवाली के बाद से अपन शूटिंग स्टार्ट करेंगे। बाय द वे आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सबके फैमिली को हमारी तरफ से। तो दोस्तों बस पसंद आया होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लो। इससे क्या है जितने भी वीडियो डालूंगा ना मैं, उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी और अगली नई शानदार सी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।